हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहां पे बात करेंगे टाटा मोटर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पे टाटा मोटर्स की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, नए नए पदों पर जॉब निकाला गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सो अगर आप यहां पे इंटरेस्टेड है, प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है अच्छे खासे पोस्ट पर अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, डिटेल में आपको जानने को मिलेगा कि यहां पे टाटा मोटर्स में किस किस पोस्ट पर किस किस पद पे यहां पे भर्ती निकाला गया है, जॉब का लोकेशन क्या होगा और यहां पे कैसे आपको जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल निकालना है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है और कैसे आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे यहां पे भरना होगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। सो क्या करना है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से बंपर भर्ती आ गया है। यहां पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स कंपनी में नई भर्ती आ गया, 2024 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है। आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी यहां पे नो फीस है, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फ्री में कर सकते हैं अप्लाई, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रोल के हिसाब से। महिला पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं, नो फीस है। बाकी यहां पे आवेदन करना सिखाया जाएगा, यानी कि कैसे आवेदन करना है टाटा मोटर्स में आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, टाटा मोटर्स का जॉब का डिटेल निकालने के लिए, जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सिंपल सा काम है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप ये आपको करना होगा कि आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप लोगों के फोन में काफी सारे ब्राउजर होंगे तो कोई भी ऐसा ब्राउजर फटाफट ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा। पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हो, pixeltech12.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स के अपडेट आर्टिकल वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल अपडेट किया गया है 30 मार्च को। सो आप लोगों को यहां पे क्लिक कर लेना है और अगर आपको ये आर्टिकल यहां पे नहीं देखने को मिलेगा तो आप लोग यहां पे सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो टाटा मोटर्स, इसके बाद आप लोगों के सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। फटाफट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल में आपको टाटा मोटर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में काफी सारा डिटेल मिल जाएगा जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है, साथ साथ में अप्लाई का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको आवेदन करना सिखाता हूं। सबसे पहले तो देख सकते हो टाटा मोटर्स में न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, अप्लाई ऑनलाइन होगा फॉर मल्टीपल वैकेंसीज। कहने का मतलब यह है कि टाटा मोटर्स में बंपर भर्ती निकाला गया है। आपको यहां पे एक ही पोस्ट पे नहीं बल्कि अलग अलग पोस्ट पे और अलग अलग लोकेशन पे जॉब देखने को मिलेगा। बंपर भर्ती यहां पे टाटा मोटर्स में निकाला गया है मल्टीपल कैटेगरी में। और यहां पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यहां पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, ऑटो मोटर्स होने वाला है। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे जॉब प्रोफाइल में मल्टीपल वैकेंसीज मल्टीपल लोकेशन पे है। करंट ओपनिंग में देख सकते हैं सीनियर मैनेजर का जॉब है और यहाँ पे व्हीकल डिलीवरी मैनेजर का जॉब देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रैश सेफ्टी टेस्टिंग इंजीनियर का भी जॉब आपको देखने को मिलेगा। ऐसे करके अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पे बंपर भर्ती निकाला गया है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, ऑलरेडी आपको पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करें देखो यार, एज जो होता है वो कम से कम 18 या फिर 18 प्लस मांगा जाता है। किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में जॉब करने के लिए एज 18 प्लस ही मांगा जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल वेरीफाई करिएगा जिस पोस्ट पे आपको आवेदन करना होता है। बाकी बात करें दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा सैलरी के बारे में, तो गुड सैलरी पैकेज मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और कंपनी के रोल के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों टेस्ट इंटरव्यू के दौरान आपका सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे कि बीटेक बीकॉम ऐसा एमकॉम वगैरह क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। हर एक पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन रहता है, तो अधिक जानकारी के लिए जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल जरूर वेरीफाई करिए जिस पे आपको अप्लाई करना होता है। बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था यहाँ पे फ्री है, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आते हैं फ्री में कर सकते हैं अप्लाई। डेट के बारे में बात करें तो डेट ऑलरेडी स्टार्टेड है, आवेदन चल रहा है, लास्ट डेट क्लोजिंग सोन है। सो आपको फटाफट अप्लाई करना है। अब कैसे करना है अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आर्टिकल पढ़ लेना, पढ़ने के बाद नीचे की तरफ आना स्क्रोल करके, यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई का लिंक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे एक न्यू पेज पे जहां पे आपको मल्टीपल कैटेगरी देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है टाटा मोटर्स का वेबसाइट का जॉब के पेज। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो मल्टीपल यहां पे कैटेगरी है, जैसे कि यहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग का है, इंजीनियरिंग का अलग है, बाकी आप यहां पर देख सकते हैं परचेस एंड सप्लाई चेन का अलग बनाया गया है। तो ऐसे करके अलग अलग यहां पे कैटेगरी है, तो आपको देखना है कि आपको किस कैटेगरी का यहां पे जॉब व्यू करना है, जॉब देखना है। तो हम यहां पे दोस्तों डेमो के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं।
यहाँ पे हम ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो भी ऐसा रिक्रूटमेंट आया होगा यहाँ पे टाटा मोटर्स में, यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के कैटेगरी में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट क्या होता है दोस्तों, आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो ऑल जॉब आता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग का ही रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, ऑल कैटेगरी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने जो भी रिक्रूटमेंट आया है यहाँ पे टाटा मोटर्स का, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑल कैटेगरी का जॉब देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको अप्लाई करना है, पोस्ट का डिटेल निकालना है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मैं आप लोगों को डेमो के लिए, एजुकेशन के लिए बता देता हूँ कि कैसे जॉब प्रोफाइल व्यू करना है, कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, किस पोस्ट का हमें डिटेल यहाँ पे व्यू करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि डेमो के लिए बस यहाँ पे ये व्हीकल्स डिलीवरी मैनेजर का जॉब है, पुणे लोकेशन का जॉब है। अगर इसके लिए करना है अप्लाई, पोस्ट का डिटेल देखना है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट का, इस पोजीशन का, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा, जो कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जॉब का टाइटल, पोस्टेड डेट, लोकेशन, जॉब का यहाँ पे समरी, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, सारा डिटेल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है। वर्क ऑफ एक्सपीरियंस क्या होगा, ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल है जो आप पढ़ सकते हो। और अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे, तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज आएगा, जो कि ऐसा होगा। यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोग अपना जीमेल पासवर्ड देकर साइन इन करके अप्लाई करो। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस पेज पे किया है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद आप लोगों के सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा, जो फॉर्म आपको भर के सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, देन लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको अपना जीमेल एड्रेस देना है, रीटाइप जीमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पे एक पासवर्ड देना है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। फिर यहाँ पे रीटाइप करना है पासवर्ड, सेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे साइन अप कर लेना है, यानी कि रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद आपको साइन इन करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, डायरेक्ट हम साइन इन करके आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना जीमेल पासवर्ड देंगे, जो कि हमने यहाँ पे रजिस्टर करते समय दिया था। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आएगा, आवेदन फॉर्म आएगा, जो कि यहाँ पे हमें भर के सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लोड हो रहा है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर्म आ गया है। अब ये जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टास्क में आपको मिलते हैं ये फॉर्म, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स का हुआ, प्रोफाइल का हुआ, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस का हुआ, एजुकेशन का हुआ, जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का हुआ। तो ये जो सारे टास्क हैं, सभी को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करके सबसे पहला अपना यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देना है, क्योंकि रिज्यूम से ज़्यादा जानकारी वेरीफाई किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये अपलोडिंग होगा और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये टास्क आपको ऐसा ऑफ करना है, फिर दूसरे वाले पे आना है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना डिटेल देना है, जो आपके आधार कार्ड पर हो, एज पर आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिटी, करंट टाइटल, और मतलब अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो उसके बारे में बता सकते हो। ऑल्टरनेटिव नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, और टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर में बताना है, जेंडर मेल फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट करो। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री, स्टेट, जिप कोड, पिन कोड भी देना है। फिर ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। एजुकेशन में आप अपना एजुकेशन डिटेल दे सकते हो। फिर जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखो सिंपल सा काम है, अगर प्रोफाइल व्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करना, और अगर आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों का यहाँ पे आवेदन हो जाएगा बिल्कुल फ्री में दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर्स में जॉब के लिए, नौकरी के लिए। सो इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है टाटा मोटर्स में। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पोस्ट पे यहाँ पे जॉब देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ओपनिंग देखने को मिलेगा मल्टीपल कैटेगरी में। तो किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने से पहले जॉब प्रोफाइल अच्छे से वेरीफाई करें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया टाटा मोटर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में, कैसे वेबसाइट पर आना है, कैसे जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे व्यू करना है, कैसे अप्लाई करना है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, हेल्प किया जाएगा। एंड जाते जाते एक और जरूरी जानकारी दे दूं, कभी भी अगर आपको कोई कॉल या फिर मेल आता है और वहाँ पे ये बोला जाए हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, इतना पेमेंट करिए, ये OTP बता दीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा या फिर OTP का लेन देन नहीं करना है। बाकी मिलेंगे हम किसी ने जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।